साक्षी, वेलकम टू अवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे आपको बता दें कि हर बार एक फिल्म आती है जो आप पर छाप छोड़ जाती है। उन्हीं में से एक फिल्म है, जैसे ही ओमकारा ने अपनी रिलीज के 15 साल पूरे किए, एक्टर विवेक ओबरॉय ने फिल्म के कुछ किस्से साझा किए। विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक डाकू ओमकारा शुल्क पर आधारित है, जिसका किरदार अजय देवगन ने निभाया था। इस फिल्म में एक्टर विवेक ओबरॉय और सैफ अली खान भी मेन लीड में नजर आए थे। ये फिल्म शेक्सपियर के नाटक ओथेलो पर आधारित थी। जी हाँ, ये फिल्म अपने गानों के लिए भी काफी मशहूर हुई। खासकर विपाशा बासु का गाना बीड़ी जलाई के जिगर से प्या काफी हिट हुआ था। विवेक ओबरॉय ने इस गाने की शूटिंग को याद करते हुए कहा, ये जादुई गाना था। विशाल जी इस फिल्म में गीत बनाना चाहते थे। वो गुलजार साहब के पास गए और उन्हें गाना लिखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ना केवल ये एक अच्छा गाना होना चाहिए, बल्कि ये एक हिट गाना भी होना चाहिए था। तुरंत गुलजार साहब लाइनें लेकर आए और सभी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक विजेता है। विवेक ओबरॉय ने आगे बताया कि जिस दिन इस गाने की शूटिंग हो रही थी, उस दिन रात को बहुत ठंड थी और हमने पूरी रात शूटिंग की थी। ये पहली बार था जब मैंने देखा कि जब गाना बज रहा था तो हर कोई अपने पैरों पर नाच रहा था और गाने की आवाज सबको झूमने पर मजबूर कर रही थी। गणेश आचार्य गाने को कोरियोग्राफ कर रहे थे। विपाशा बासु, सैफ अली खान, दीपक डोबरियाल और मैं गाने में नाच रहे थे और जब भी वो गाना बजता तो हम ही नहीं, सचमुच हर कोई नाचने लगता था। कड़ाके की ठंड और आधी रात थी और इतना सब होने के बावजूद गाने ने हर किसी को अपना दिल बहलाने पर मजबूर कर दिया और इस तरीके से इस फिल्म की शूटिंग हुई। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।